किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। SMEM के तहत सब्सिडी पर उपलब्ध स्वचालित कृषि मशीनरी, कृषि कार्यों में दक्षता लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए वह अपने कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन या SMEM के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वचालित मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। भारत सरकार का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या DBT के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति मशीन कुल लागत के 40-50% तक की सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को मशीन की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है। आपकी सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों के लिए मशीनों पर सब्सिडी की राशि इस वीडियो में दी गई है। अगर आपके राज्य में चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो आवेदन करने से पहले कृषि या संबंधित कार्यालयों से पता कर लें कि कहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण योजना पर रोक तो नहीं लगा दी गई है। धन्यवाद।